नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय से विकास का योगी मॉडल, ऐसा साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही आदित्यनाथ योगी ने खुद को राजनीतिक तौर पर अपडेट कर लिया है। ये आदित्यनाथ योगी का वर्जन 2.0 है, जिसके बारे में उन्होंने आज देश की संसद से पूरे देश को संकेत दिए, जब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार लोकसभा में पहुंचे और इस लोकसभा के सांसद के तौर पर आखिरी बार बोल रहे थे। 20 मिनट के भाषण में आदित्यनाथ योगी ने यूपी का अपना एजेंडा क्लियर किया, जिसमें उन्होंने विकास का यूपी मॉडल बनाने की बात कही और कड़क मुख्यमंत्री के तौर पर देश के सबसे बड़े राज्य को चलाने के संकेत दिए। आदित्यनाथ योगी को जब से उत्तर प्रदेश चलाने का दायित्व मिला है, तब से वो बहुत संयमित होकर बोल रहे हैं, जबकि उनकी पहचान ऐसी नहीं रही है। यूपी में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर वो अपनी बात खुलकर कहते रहे हैं, जिसके लिए उनके विरोधी उनकी बहुत आलोचना भी करते रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि योगी देश के सबसे बड़े राज्य को चलाने का दायित्व मिलने पर अपनी पुरानी पहचान के साथ विकास और सख्त प्रशासक की नई छवि बिगड़ना चाहते हैं, जिसके लिए वो बार बार संकेत दे रहे हैं और जिस पर आज उन्होंने संसद में 20 मिनट के भाषण में बताया। आज लोकसभा में योगी ने यूपी में बहुत कुछ बंद करने वाली बात कही। हम आपको यूपी में योगी के चार बड़े एजेंडे के बारे में बताते हैं। पहला एजेंडा, यूपी में अवैध बूचड़खाने बंद करना। यूपी में करीब 350 बूचड़खाने हैं, जिसमें 40 बूचड़खानों के पास ही लाइसेंस है। अपर मुख्य सचिव को जिम्मेदारी सौंपने के साथ ही अवैध बूचड़खानों पर ताला लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है। पिछले 48 घंटे में इलाहाबाद, वाराणसी, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, अलीगढ़ में कई बूचड़खाने सील हो गए। दूसरा एजेंडा, छेड़खानी से निपटने के लिए एंटी रोमियो टीम। डीजीपी के निर्देश पर हर जिले के लिए एंटी रोमियो टीम बनाई जा चुकी है। इस एंटी रोमियो टीम की निगरानी के लिए जोन के आईजी को जिम्मा सौंपा गया है। आज एंटी रोमियो टीम के पहले एक्शन में पीलीभीत में 5 आरोपी पकड़े गए। तीसरा एजेंडा है जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त करवाना। अभी तक एंटी भू माफिया फोर्स का गठन नहीं हुआ है, जिसका चुनावी वायदा हुआ था। कहा गया था कि सरकार बनने के 7 दिन के अंदर अवैध कब्जे से भू माफिया को हटाएंगे। सीएम आदित्यनाथ ने सोमवार को अफसरों से इस मुद्दे पर प्लान बनाने को कहा था। चौथा एजेंडा है कानून व्यवस्था सुधारना, गुंडागर्दी बंद करवाना। गंभीर अपराध के आरोपियों, गुंडों और माफियाओं की लिस्ट तैयार करने को कहा गया है। क्षेत्र के हिसाब से क्राइम मैपिंग के जरिए अपराधियों को चिन्हित करने को कहा गया है। सांप्रदायिक झड़प की घटनाएं रोकने के लिए छोटी छोटी घटनाओं पर भी नजर रखने को कहा गया है। भू माफिया और अवैध शराब का व्यापार करने वालों पर कार्रवाई की मुहिम चलाने का आदेश आया है। पशु तस्करी और गौकशी पर सख्ती से निपटने के लिए कहा गया है। आज आदित्यनाथ योगी के लोकसभा वाले भाषण के साथ साथ एक और बड़ी खबर जो चर्चा में है, वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के जमीन विवाद से जुड़ी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऑफर दिया है और कहा है कि इस तरह के मुद्दों पर अगर सभी पक्ष मिल बैठकर फैसला कर लें तो यही सबसे बेहतर होता है। खुद चीफ जस्टिस अयोध्या केस में मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या अयोध्या केस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है और क्या अयोध्या केस के सभी पक्ष थोड़ी थोड़ी नरमी दिखाते हुए राजनीतिक और सामाजिक तौर पर संवेदनशील इस मामले को सुलझाने में नए सिरे से बढ़ सकते हैं। क्या वर्षों से चल रही कानूनी लड़ाई के बावजूद अयोध्या केस का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जा सकता है? ये सवाल एक बार फिर बहस और चर्चा में आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की एक उम्मीद जरूर है, क्योंकि अगर उम्मीद ना होती तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑफर नहीं देता कि इस केस को आपस में बैठकर सुलझा लेते हैं, जिसमें मध्यस्थता के लिए खुद देश के मुख्य न्यायाधीश तैयार हैं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर चीफ जस्टिस के बेंच ने बड़ा सुझाव दिया, कहा कि सबसे बेहतर यही है कि धर्म और आस्था के विषयों को बातचीत से सुलझा लिया जाए। चीफ जस्टिस जेएस केहर ने तो खुद इस केस में मध्यस्थता करने का ऑफर भी दिया है और यह कहा है कि मुद्दे को सुलझाने में कुछ तुम मानो कुछ वो माने वाली सोच अपनानी चाहिए। राम जहां पैदा हुए वही है, उसको बदल नहीं सकते
और मस्जिद तो कहीं भी बना सकते हैं, सड़क में भी नमाज़ पढ़ते हैं मुसलमान। और सऊदी अरेबिया में अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए या रोड के लिए वो मस्जिद को हटाते हैं, तोड़ते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस रचनात्मक सुझाव को मुस्लिम समुदाय मानने तो सबसे अच्छा होगा, परंतु बातचीत से ही ये फैसला होगा। ऐसा नहीं है कि पहले कभी अयोध्या केस को आपस में सुलझाने की पहल नहीं हुई, लेकिन इस बार सीधे सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिल बैठकर बात करने की पहल होने पर इसे लेकर फिर से चर्चा हो रही है। लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने इस पहल को सीधे सीधे खारिज कर दिया। कोर्ट को हमें पहले तो ये बताना है कि प्राइवेट निगोशिएशन पॉसिबल नहीं है। 1986 से हम ये प्राइवेट निगोशिएशन करते आ रहे हैं और 2003 में जो शंकराचार्य साहब ने लिखकर प्रपोजल भेजा था वो एक्सेप्टेबल हमें नहीं, उनका कहना था कि आप इसको सरेंडर कर दीजिए, तो लिहाजा प्राइवेट निगोशिएशन पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अभी ये मालूम नहीं है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच इस पर निगोशिएट करती है, किस तरीके से मीडिएशन करती है, उसके लिए हमेशा तैयार है। ठीक यही सोच सांसद असदुद्दीन ओवैसी की भी है, जो कह रहे हैं कि बातचीत पहले भी हो चुकी है लेकिन हमेशा फेल रही, सुप्रीम कोर्ट को जल्द सुनवाई करके फैसला सुनाना चाहिए। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह रहा है कि बड़ा हिसास मसला है, ये बड़ा इसमें नाजुक मसला है, तो कंटेम्प पिटीशन को और इस केस को आप रोज हियरिंग कर लीजिए। मई में छुट्टियों में बैठ रहे हैं तो तीन तलाक की जगह ये बैठ जाइए, तीन तलाक साथ ये भी सुन लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय से हर तरफ सुप्रीम कोर्ट के बातचीत वाले ऑफर को सीधे सीधे खारिज किया जा रहा है या बातचीत से हल ना निकलने को लेकर कोई उम्मीद अब भी नहीं है। उधर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे प्रमुख चेहरे बातचीत की पहल को अच्छा मान रहे हैं, लेकिन उन्हें ये मुश्किल लगता है कि अब भी अयोध्या विवाद का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, जिसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सुझाव दिया है। अयोध्या केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आए 6 साल हो चुके हैं। 2010 से ही यह केस सुप्रीम कोर्ट में है, जिसने 2011 में हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगा दिया था जिसमें अयोध्या की विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की अर्जेंट सुनवाई को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जोर लगाया, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सहित 3 जजों की बेंच ने ऐसे मुद्दों का सभी पक्षों से बैठकर हल निकालने का सुझाव दिया था। मैं समझता हूं कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट इसकी दिन प्रतिदिन सुनवाई करेगी या मध्यस्थता के लिए बैठेगी, मैं कहता हूं 6 महीने के अंदर ये सारा समाधान हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अयोध्या विवाद में सभी पक्ष चाहेंगे तो वो बातचीत के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, और कोर्ट ने स्वामी से कहा है कि वो सभी पक्षों से बात करके बातचीत के ऑफर पर सभी पक्षों की राय के बारे में 31 मार्च तक कोर्ट को बता दे। लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से अहमद अजीम के साथ अशोक सिंघल, आज तक। राम मंदिर आंदोलन बीजेपी की राजनीति का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है। ये संयोग की ही बात है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई कि अयोध्या केस को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका बातचीत हो सकता है। आदित्यनाथ योगी जिस गोरखनाथ मठ के महंत हैं, उस गोरखनाथ मठ से ही अयोध्या आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैद्यनाथ और उनके भी गुरु महंत दिग्विजयनाथ की प्रमुख भूमिका रही है। आदित्यनाथ योगी के अयोध्या कनेक्शन को डिकोड करने वाला विश्लेषण हम आपको दिखाते हैं। जो फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है। मुझे लगता है दोनों पक्षों को बैठ करके विवाद के समाधान के लिए एक रास्ता निकालना चाहिए। सरकार से जो सहयोग लोग चाहेंगे हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का बेहद सधे हुए शब्दों में स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का सुझाव कुछ दिन पहले आया होता तो योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन शायद कुछ इस तरह का होता। और जिस मेरे संत जागरण के संध्यान में निकल पड़ेंगे, फिर कहीं आपको किसी के सामने गिनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गुहार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संत आदेश देगा और देश की सत्ता उस संत के आदेश के अनुसार चलती हुई दिखाई देगी। लेकिन अब आदित्यनाथ योगी से ज्यादा मुख्यमंत्री है, इसलिए मर्यादा में रहना जरूरी भी है और मजबूरी भी, वरना वो दौर ज्यादा पुराना नहीं जब राम मंदिर के नाम पर योगी आदित्यनाथ अपनी भावनाएं रोक नहीं पाते थे। अयोध्या की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से है। बाबर एक लुटेरा था, एक आक्रांता था,
और किसी आक्रांता और लुटेरा के नाम पर कोई स्मारक या कोई भवन बनाया जाएगा, कोई भी स्वाभिमानी कौम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो कुछ हुआ था वो बिल्कुल सही था, हम उसको पूरा समर्थन करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन से योगी आदित्यनाथ का गहरा जुड़ाव रहा है। इस मामले में वो अपने गोरक्ष पीठ मठ के पूर्व महंतों जैसे ही हैं, जिनकी 3 पीढ़ियां राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही हैं। आजादी से पहले इसी पीठ के महंत दिग्विजय नाथ को उन चंद लोगों में गिना जाता है जिन्होंने अयोध्या में विवादित जगह पर मंदिर बनाने की कल्पना की थी। बताया जाता है कि महंत दिग्विजय नाथ की अगुवाई में ही 22 दिसंबर 1949 को विवादित ढांचे के अंदर भगवान राम की प्रतिमा रखवाई गई थी। महंत दिग्विजय नाथ के निधन के बाद उनके शिष्य महंत अद्वैत नाथ ने राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाया, जो योगी आदित्यनाथ के गुरु हैं। कहा जाता है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने की रूपरेखा महंत अद्वैत नाथ की देखरेख में ही तैयार की गई थी। अपने गुरुओं दिग्विजय नाथ और अद्वैत नाथ की तरह ही आदित्यनाथ भी विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाए जाने के धुर समर्थक रहे हैं। इसकी मिसालें वो अक्सर पेश करते आए हैं। 1934 से लगातार वहां पर पूजा हो रही है, तो कैसे हम नहीं माने कि वो राम जन्मभूमि हिंदुओं को नहीं मिलना चाहिए और हम उसे स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक क्यों न माने। लेकिन देश की संत शक्ति ये मानती है कि बाबरी ढांचे को हटना चाहिए और 6 दिसंबर का दिन उनके लिए शौर्य का दिन है, सम्मान का दिन है। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में भी योगी आदित्यनाथ अपने राम मंदिर आंदोलन की राह से जरा भी नहीं भटके और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को हवा देते रहे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने दीजिए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये मान लेना आसान नहीं है कि राम मंदिर निर्माण के लिए उनके दिल में बसी निष्ठा कम हो गई होगी। और अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना है, हम सबको इस भाव के साथ एक बार पुनः पढ़ना होगा। क्यों नहीं, कौन ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से। मैं आदित्यनाथ योगी, भले ही ये इत्तेफाक मान लिया जाए कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही सुप्रीम कोर्ट को राम मंदिर निर्माण के लिए सुझाव देने का वक्त मिल गया, लेकिन अगर बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बना ले तो ये कोई इत्तेफाक नहीं होगा, क्योंकि अब केंद्र के साथ साथ यूपी में भी बीजेपी की सरकार बन गई है। आज तक ब्यूरो। राम मंदिर बनाने के लिए बातचीत का सहारा लेने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मुहिम छिड़ गई है। अयोध्या में बातचीत के जरिए राम मंदिर के निर्माण का रास्ता बनाने पर अयोध्या के साधु संतों की राय क्या है, ये जानने के लिए आज तक संवाददाता निशांत चतुर्वेदी ने अयोध्या का सफर किया और संत पंचायत में पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतों की राय जानी। ये अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर संत समाज के मन की बात है। अयोध्या नगरी, इस अयोध्या नगरी में हमारे इन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाए आप सबकी तरफ से। क्या कहना है जो सुप्रीम कोर्ट का है उसके ऊपर हमारे इस देश के बड़े बड़े साधु संतों का। यहाँ पर हमारे साथ बहुत बड़े संत मौजूद हैं। राजेंद्र दास जी, कानूनी पर्चनों में पढ़ना जरूरी है या मिल बैठ के इसको सुलझा लें? बहुत अच्छा होता के कानून न्यायालय में इसका विवाद पहुंचता, उसके पहले आम सहमति के आधार पर भारत के सभी सहृदय लोग बिना किसी संप्रदाय जाति वर्ग भेद के एक साथ मिल बैठ करके अपने दुराग्रहों को त्याग करके इसका समाधान करते। और बड़े हर्ष की बात है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ये चाहता है कि इसका समाधान आम सहमति के आधार पर हो। मतलब मैं ये कह सकता हूं, ऐसा विश्वास है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी निश्चित इनके नेतृत्व में आम सहमति कायम होगी और हमारे मुस्लिम वर्ग के लोग भी अत्यंत उदारता दिखाते हुए राम मंदिर के निर्माण में अपनी सहमति, अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे। और जो किसी काल में बर्बर आक्रांता बाबर के द्वारा
भारतीयता को कलंकित करने का प्रयत्न किया गया था उसके परिमार्जन का प्रायश्चित निश्चित हमारे मुसलमान वर्ग के लोग अवश्य करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, संत समुदाय इसके लिए एक है, बस कोर्ट की कोई अड़चन ना हो, कोर्ट किसी तरह का एक्शन ना ले तो साधु समाज तो बैठ करके समाधान निकालने के लिए पहले से ही प्रयास में है और प्रयास करना भी चाहते हैं, बस कोई तरह कोर्ट की अड़चन। जो हमारे साथ साधु संत, मैं आप सभी से एक सवाल पूछ रहा हूँ और बड़ा संक्षेप में मुझे जवाब दीजिएगा। एक सेकंड वेदांती जी, मुझे एक चीज बताइए, क्या आप सभी लोग आज तैयार हैं दूसरे पक्ष के साथ बैठकर बगैर कोर्ट जाए इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए? शुरुआत में आपसे कर रहा हूँ, तैयार हैं कि देश का हिंदू, देश का मुसलमान, देश का जगतगुरु सभी लोग एक साथ बैठ करके इसका निर्णय करें जिससे देश में और विश्व में शांति बनी रहे, नंबर एक। नंबर दो, अभी तक भाजपा को राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनने के बाद राज्यसभा में 2018 में पूर्ण बहुमत हो जाएगी। कानून बनाकर लोकसभा में और कानून बनाकर राज्यसभा में भी भारत सरकार मंदिर का निर्माण करा सकती है। हम लोग भी चाहते हैं कि एक पहल होनी चाहिए, लेकिन यदि वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता है हमारा प्रयास, तो केंद्र को चाहिए कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में, दोनों 2018 में राज्यसभा में भी हम बहुमत में आ जाएंगे और सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर कानून बना करके श्री राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। श्री राम जन्म भूमि की जय हो, कृष्ण जन्म भूमि की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, महादेव। साधु संतों की ये राय है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर दूसरा पक्ष तैयार नहीं है तो फिर कानून बनना चाहिए, ये साधु संतों की राय है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो न्यूट्रल हैं। हमारा ही कहना है कि अभी तक जब इतना दिन समय बीत गया और कोर्ट के माध्यम से नहीं हो सकता है, तो पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम लोग बैठ करके सुलझा लें। यदि नहीं बैठ के सुलझता तो इसका हल कानून बना करके लोकसभा और राज्यसभा में। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए जिससे कि यहाँ के रोजगार। लेकिन क्या सभी को मिलकर बैठना नहीं चाहिए? मिलकर के कई बार प्रयास किया गया है, बैठ करके लोगों ने बातचीत किया है, लेकिन हमेशा जो है कोई निर्णय नहीं करना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं आप सभी से भी ये सवाल पूछूंगा, आप सभी से ही पूछूंगा। हर धर्म का एक मकसद होता है लोगों को जोड़ने का, अगर कुछ लोगों की प्रवृत्ति रही तोड़ने की तो क्या आप जोड़ने की शुरुआत नहीं होनी चाहिए? तो कोर्ट में तो 1885 से पड़ा हुआ है। यही तो कह रहा हूँ सर, अभी तभी तो कह रहा हूँ कि ये तो राम मंदिर तो बनना ही सही है। मुझे ये बताइए कि आप बैठकर इसको नहीं सुलझाना चाहिए? जरूर सुलझाना चाहिए, हम अयोध्या वासी को है कि एकता बनाए रहना चाहिए और हमेशा इस माहौल को बनाए रहना चाहिए। यहाँ से संदेश हम लोगों को देना चाहिए कि हम लोग एक हैं, हमेशा एक है, राम ने भी दिया था एकता का ही परिचय। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुना आपने, क्या बात है, एकता का परिचय देना चाहिए, हम लोग एक हैं, ये संदेश देना चाहिए। आप मुझे बताइए, बाबा इधर आइए, आप मुझे एक बात बताएं, क्या आज की तारीख में ये वक्त नहीं आ गया है कि सब लोग मिलकर इस मसले को सुलझाएं? इस मसले को सुलझाने के लिए एकता तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन अगर मगर लेकिन परंतु के लिए हमारे उत्तर प्रदेश का जनता वोट नहीं दिया है। अगर ये समस्या नहीं सुलझेगा, कोर्ट में जाने के बाद तितर बितर हो जाता है, कभी कुछ कर। क्या इस मसले को सुलझाना नहीं चाहिए आप लोगों को नहीं लगता है? क्या इस मसले को बैठ कर नहीं सुलझाना चाहिए? बैठ के सुलझाना भी चाहिए जी, बिल्कुल सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे सभी महाराज लोगों ने कहा कि हम लोग कई बार प्रयास कर चुके हैं और हमेशा प्रयास विफल रहा है, तो एक बार पुनः प्रयास करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। यदि नहीं होता है तो नया संविधान बना करके उसका निर्माण करना चाहिए। तो ये आपने देखा, यहाँ पर जितने भी साधु संत हैं, जितने भी यहाँ पर देश के बड़े, उन्होंने एक मैसेज दिया है कि भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं तो कानून बनाएं। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि ये देश राम का है, परिवेश राम का है, अरि का संहार करना आदेश राम का है। हनुमान ने बनाई थी जब राख सर्व लंका, तो अब राम जन्मभू को क्या सोच क्या शंका,
हो राम का मुखातिब और भारतीय भी हो, संभव नहीं कभी भी कह दो बजा के डंका, भारत वसुंधरा क्या संसार जानता है, ये देश अयोध्यापति अखिलेश राम का है, ये देश अयोध्यापति अखिलेश राम का है। इसलिए भगवान राम की जन्मभूमि पर ही भगवान की रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, यही हमारे अयोध्या के सभी संतों का निर्णय है। इसलिए श्री राम जन्मभूमि की जय हो। अयोध्या का संत समाज सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर राम मंदिर निर्माण के लिए मुस्लिम समाज से बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि इतिहास गवाह है कि अब तक कम से कम 9 बार बातचीत के जरिए राम मंदिर निर्माण का रास्ता खोलने की कोशिश की जा चुकी है, हर बार असफल रही है। लेकिन अब की बार मामला थोड़ा सा अलग है। एक तो आपसी समझौते का सुझाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बातचीत फेल होने पर राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थ बनेगा। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।